सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मंदसौर जिले के शामगढ़ से एक दुखद दुर्घटना सामने आई है, जिसमें एक बालक अपने साथी के साथ बाइक से शामगढ़ की ओर अपने गांव कोटड़ी आक्या जा रहा था। शामगढ़ से कुछ ही दूरी पर परासली रोड पर जूना पानी नहर की पुलिया के यहां अचानक से ट्रैक्टर सामने आ जाने से बाइक सवार दिनेश की बाइक ट्रैक्टर में जा घुसी, जिससे दिनेश की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही मृतक के साथ बैठा बाइक सवार घनश्याम भी घायल हो गया। ट्रैक्टर पुलिया नुमा खाई से नीचे गिर गया। मृतक दिनेश लोहार 12वीं क्लास में पढ़ रहा था। अचानक हुई घटना से ट्रैक्टर चालक घटनास्थल पर ट्रैक्टर छोड़कर भाग निकला। मृतक दिनेश को एवं साथी घायल युवक घनश्याम धनवाड़ा का रहने वाला है, दोनों को शासकीय हॉस्पिटल लाया गया। फिलहाल पुलिस ने पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंपा और मामले की जांच शुरू कर दी है। इधर से हमसे जा रहे थे, एक ट्रैक्टर हमारे पीछे से वो निकल गया, फिर आगे पीछे से एक और ट्रैक्टर आ रहा था, उसने डायरेक्ट एक्सीडेंट मार दिया। प्रतीत हो रहा है कि दिनेश पिता परशुराम लोहार निवासी कोटड़ी आका का अपने साथी घनश्याम के साथ हीरो होंडा मोटरसाइकिल स्प्लेंडर से बैठकर शामगढ़ की तरफ आ रहे थे, तभी नहर पुलिया के यहाँ परासली रोड पर एक ट्रैक्टर वाला अपने ट्रैक्टर को तेज गति वाला पूर्वक चला कर लाया और टक्कर मार दी। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।